जिम्मेदारी के लिए। इस सरकार में मेरे गांव में एक भी नया कनेक्शन नहीं आया है, हैं वो ढाई सरकार में 500 कनेक्शन हुए होंगे। खेत का कोई भी इसने जो जरूरत नहीं, बस जिम्मेदार भूखा रहेगा, छिका रहेगा। अब बीजेपी की तो हम गेरा ही गेरा नहीं, ये तो जिम्मेदार मजदूर के लिए बर्बाद करने वाला सिस्टम है। गिरेंगे अड़े गांव में, उड्डा के गिरेंगे भाई। ऐसा क्यों उड्डा की क्यों गिरा? और इसने धाना बेचते नहीं भाई, क्यों बेचते नहीं है? पानी ना कित खारा पानी पीने लग रहे हैं। देखिए यह जो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जो सरगर्मियां तेज हैं, यहां लोगों की हम राय ले रहे हैं। दूसरी बात, यहां पर जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को उनका हक मिला है या नहीं मिला है? गांव मुडलाना की जो महिलाएं हैं उनसे तई कहां से आया अभी के लग है कुछ दिन रह रहे सारे अपनी अपनी वोट मांगने आंदे होंगे गांव में, के लग के माहौल ताहौल है? देखो भाई किसका के बनेगा, हम तो जीत उसकी काट कर, हाँ उसकी काट कर जाए, और कुछ मोल तो ऐसा है ताई जी, किसी की डालो। हम तो ये पूछ रहे हैं कि आप, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार ठीक है? ये भाई तो भी ने उड़ान है, अच्छा जी। हाँ सरकार ये कह रही है हम विकास करवा रहे हैं, गांव गांव में पैसा दे रहे हैं, होंगे पैसा वाले पैसे ले जा हैं, हमने क्या पैसा है, हम तो मेहनत करा हाँ तो खावा हाँ, अरे फसल खेता में पड़ी रहे। जो कर वही मजदूरी मानस हम तो, ये तो हजाट है, हम मतलब आ रहे मजदूरी मिल जाए तो कर खा ले, ना तो भूखे के भूखे है, वही बात है। के रोजगार हमारा एक के पेंशन बिना बंद की बात तो वही आ जाएगी है कि नहीं भाई? ईसा रोजगार चल रहा, दिहाड़ी मजदूरी आया का तो तन बेरा है, चढ़ाई का काम करया करे तरह ताऊ, कदे मिल जाए कदे नार कदे आ, तो फिर इसमें पेट पालना मुश्किल हो रहा है इतनी महंगाई में। तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो शासन है वो अच्छी तरह से चल रहा है, सारी जगह हम पैसे दे रहे हैं, समान विकास यार तो कुछ भी नहीं है क्या, कभी सुधार नहीं होया? अच्छा। हाँ 5 साल हो गए इसने जो ये थे, कुछ भी सुधार नहीं है क्या का भी, जो दुख था वही दुख का दुख है, दुख का दुख बन रहा है। हाँ बन रहा, राम राम जी। के लग है जी अब की बार जो चुनाव है वो किस ओर जा रहा है? अब जैसे कि कांग्रेस भी अपनी वोट इंदुराज जो है उसको लेकर के मैदान में उतरी है, उधर पहलवान को मैदान में उतर, वो सुना क्या आपको क्या लगता है? महिलाएं हैं हाँ। कितना हम तो हमारा अच्छा। हाँ कुपास तो पिछला साल की भी ग्रह पड़ी है, फसल ग्रह पड़ी है, फिर कौन सा फायदा हुआ हमने? भाई साहब बीजेपी की तो हम गेरा ही गेरा नहीं, ये तो जिम्मेदार मजदूर के लिए बर्बाद करने वाला सिस्टम है। सारी की फसल मंडी में ले जाओ, आधी बिकी आधी ना बिकी, कोई समाधान नहीं दो रहे। सुरसी खान लाग रही है, गेहूं भी घरा पड़े और कुपास भी घरा पड़ी। यहाँ लगातार जो है लोगों का यहाँ पर जो हम मत बता रहे हैं, कुछ और महिलाएं हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। राम राम ताई। ताई ठीक हो? स्वास्थ्य ठीक है? तो के लग है इब जो चुनाव आने लग रहे 3 तारीख ने, किसकी वोट गिरेंगे अड़े गांव में? उड्डा की गिरेंगे भाई। ऐसा क्यों उड्डा की क्यों गिरा? और इसने धाना बेचते नहीं भाई, क्यों बेचते नहीं है? पानी ना कित खारा पानी पीने लग रहे हैं। ये कह रहे हम पानी भी पूछा रहे, हम खेत में पूछा, हाँ कुछ नहीं पूछा रहे। अच्छा हाँ तो पिल्सन टेम्पा जो है बेटा। अच्छा हाँ, और कोई दिक्कत है? ना कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो तुमने भी दिखा है, पानी ना पात ना कित है, दुख है उनका ही, पानी को ना कित है इलेक्शन में लमने लग रहे के लग गए कुछ के रहूगा गांव में, तो आप किसको वोट करना चाहोगे? उड्डा की देंगे, उड्डा की देंगे। और ये बीजेपी वाले कहा है भाई हमारा समर्थन करो, हमारी वो करो, क्या लग गया है ये झूठ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमने तो उड़ा ही कर रखी। देख राम राम जी, राम राम की लग गया है ताई जी किस तरह इनका जो उपचुनाव है वो, और इस उपचुनाव में किस तरह की तैयारियां हैं,
क्या लगता है? हम घुड़सावड़ा जाकर देखे भाई, हमने के बेरा, हम तो उड्डा की देंगे, बस इतना बेरा है, इतना ही है। एक तरफा इधर उड्डा की चल रही है गाँव में। तो ये गाम राम की जो हम कोने कोने से आपको राय, महिला हो, युवा हो या फिर आम लोग हो, उन तमाम लोगों की हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या रुख है आप लोग, इसके बारे में आप बताएं, क्या लगा था जी आपने? हुड्डा की गेरांगे भाई हम, हुड्डा की। हाँ, ऐसा क्यों है? अभी आप हुड्डा की डालो, ट्रांसफार्म पर चोरी हुए हैं जी, गवर्नमेंट ने देने चाहिए ना देने चाहिए, वो मार रुपये लग रही है। अच्छा, नहीं लग रही, मोटर नहीं पाल ले जाए, ट्रांसफार्मर नहीं पाल, सारी सारी चीज पाल ली मारी है। अच्छा, चोरी करके ले जाते हैं, चोरी करके ले जाए हैं, पानी की समस्या मेरे भाई, अग्नि है ई बूढ़ा खेत में, ट्रांसफार्मर चोरी हो रहा है, छह महीने हो गए ट्रांसफार्मर पट रहा है, ई बुलन टेक लिया, शिकायत नहीं करी इसकी आप? सारा रिपोर्ट दे रहा खींचा सारे गए चौकी में भी उड़े गुहाने सारे गए, रुपये भरवा हुई गवर्नमेंट है। अच्छा, जब ट्रांसफार्मर से होगा इलेक्शन, इलेक्शन जैसे कि वो हुड्डा की सरकार थी, जब भी चोरी होती थी, जब तो हुड्डा तो साइड से काम करते था। अच्छा, जब भी चली जब भी ले भाई। अच्छा, अरे वे हड़ा इसी होगी बता मेरे भाई, ये करा। तो यहाँ दुकानदार हैं, इनसे पूछेंगे तो क्या लगा जी, जो लगातार अब लॉकडाउन रहा, दुकानदारी भी है, इसका असर कितना? सिस्टम सारा खत्म कर रहा था लॉकडाउन ने तो। अच्छा, सामान आवता नहीं, अड़ा गाहक मारे मारे फिर देखी थे आवता नहीं, थे तो महंगे भाई हम थे आवता। चुनाव आ गया, चुनाव आ गया, इन ख्याज होगी, पहले इन कोई ख्याज नहीं थी, कोई भूखा मरो चीज छिक्या रहो, जिम्मेदारी के लिए इस सरकार में मेरे गाँव में एक भी नया कनेक्शन नहीं हुआ है, वो ढाई सरकार में 500 कनेक्शन हुए होंगे, खेत का कोई भी इसने जरूरत नहीं, बस जिम्मेदार भूखा रहेगा छिका रहेगा, इसने तो अपनी वोटें टाइम बता गए, ये तो खट्टर भी आ जाएगा और भी आ जाएंगे, लेकिन वोटों के वोटों से पहले कोई नहीं, कितने कुछ रजबाए में पानी नहीं था, अरे कितने बिजली का समाधान नहीं था, रोड देख लो ना, गाल देख लो, सरपंच के सरपंच के ग्रांट नहीं आंदे, ऊपर दिया सरकार ऑनलाइन 6,500 से ज्यादा आपकी गाँव की वोट है। क्या 7,000? तो पिछला जो 2019 का चुनाव था उसमें कौन कैंडिडेट जीत के गया था यहाँ? हमारा ये कृष्ण हुड्डा। कृष्ण हुड्डा दूसरे नंबर पे कौन रहा? दूसरे नंबर पे यू है रहा था योगेश। योगेश, हाँ। अब की बार क्या रहने वाला? इब की बार तो चौथे नंबर पे होगा यू। हाँ, इब की बार क्यों? फसल गेरी मंडी में न्यू बेरा पिट गया, घने दुखी कर दिया सरकार ने, और वोट टूट गई। हाँ, जब तक फसल का कोई बेरा था भाई इतने दुखी करेंगे, अरे खेत में एक गम भी होती देख लो, किसी की भी पानी नहीं, खारा भी पानी को नहीं, खारा आकर दान उसकी भी मोटर जल रही है, मोटर गेरे नाला नहीं को, ये है सरकार के काम। ये गांव मुड़लाना जहां पर लोगों ने अपनी बात रखी, अपनी राय रखी, किस तरह से यहां पर लोगों का जन समर्थन किस कैंडिडेट को है, इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं, ये अपनी तमाम राय हमें दें। ऐसे ही तमाम गाँव के सर्वे हम आपको लगातार दिखाएंगे, यहाँ के लोगों की राय पर आप लोग क्या कहते हैं और इस सर्वे को किस तरह से आंकते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।